जौनपुर के सदरपुर और थाना थान गांव क्षेत्र की जो पुलिस है वो बड़ी ही लापरवाही कर रही है और यहां पे 2 से 3 घंटे से लोग जाम में फंसे हैं, निकलना मुश्किल हो रहा है, पैदल भी लोग नहीं निकल पा रहे हैं। आपको बता दें कि काफी दूर से लोग कहीं जा रहे होंगे, एम्बुलेंस भी बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस भी फंसी है और काफी देर से जो है गाड़ियां वही की वही लोग जो है स्थित खड़े हुए हैं। कब से भैया फंसे जाम में? अरे लगा हो गया आधा घंटे के ऊपर हो गया, 1 घंटे के ऊपर हो गया है, 1 घंटे के ऊपर से। ये सब माता जी की कृपा है, माता जी की कृपा है, सब माता जी की कृपा है। आइए आपको दिखाते हैं और चलते हैं कि कितनी देर से जाम लगे है और लोग फंसे हैं। यहाँ पे देखेंगे कि पैदल भी निकलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि गाड़ी और जो ऑटो है, जो लोग पैदल जा रहे हैं वो भी कितनी देर से भैया जाम में फंसे? 2 घंटे से। पुलिस देखी कहीं पे? नहीं कहीं पे पुलिस नहीं दिखी, कहीं पे नहीं दिखी पुलिस, नहीं दिख रही। यहाँ पब्लिक बहुत परेशान है। कितने देर से भैया जाम में फंसे? 4 घंटे से। 4 घंटे से काफी, 6 घंटे से, 6 घंटे हो गए, 6 घंटे काफी देर से लोग जाम में फंसे हुए हैं और निकलना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि कहीं पर पुलिस नजर नहीं आ रही है। कितनी देर से भैया फंसे जाम में? अरे घंटा खाड़ो। अच्छा, यहाँ पे देखा जा सकता है कि चंदौली घाट से लगभग धुरिया के जो पुल है वहाँ तक जो है जाम लगी हुई है, लोग जो है निकल नहीं पा रहे, गाड़ियाँ तो जहाँ की वहीं पे खड़ी है लेकिन लोग जो है पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि ऑटो भी फंसे, ऑटो में जो सवारी बैठी हुई है, यहाँ पे देखिए कि पैदल लोग निकल रहे हैं, वो भी जो है घंटों से यहाँ पे खड़े हुए हैं लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं भी नजर नहीं आ रही। कितनी देर से भैया जाम में फंसे? 1 घंटे के। कितनी देर से जाम? 1 घंटा से फंसे हैं। पुलिस प्रशासन कहीं दिखी? कुछ नहीं, यहाँ पर कोई कर नहीं रहे, पुलिस आई नहीं यहाँ पर, पुलिस नहीं है। क्यों भैया? पुलिस प्रशासन है वहाँ पे खड़ी थी, आई है, इधर गई है पुलिस प्रशासन। ऐसा क्यों बोले पुलिस प्रशासन नहीं? पुलिस प्रशासन इधर गई है आगे। कितनी देर से जाम में फंसे? जाम में 1 घंटा हो गया फंसे, मगर पुलिस प्रशासन है यहाँ पर। जाम को छुड़वाने का नहीं काम किया? हाँ किया है उसने, किया क्यों नहीं किया? तब क्यों इतनी जाम? तो इतनी जाम पुलिस के हाथ में है क्या जो तुरंत उठा कर भाग देगा? पुलिस कितने यहाँ पे? 4-5 लोग है कम से कम, 4-5 लोग और 2 से 3 घंटे तक जाम में लगे लोग हैं। अगर आगे जा चुके जो है गाड़ी 4 पहिया जो है वहाँ खड़ी है पुल पर, तो इसी वजह से और जाम लगा, पुलिस की होगी, पुलिस की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। देखिए कि पुलिस प्रशासन, भाई साहब बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के गुंड आ रहे हैं, खड़ी है जो है पुल पर, उसे इसीलिए रास्ता नहीं हो पा रहा है, जाम लगा हुआ, आप देख लीजिए खुद। अरे पुलिस की ही गाड़ी खड़ी है तो उसकी वजह से जाम? नहीं मैम, उसकी वजह से नहीं है, यहाँ से खुद ही पूरा रास्ता ब्लॉक है, कहाँ से निकल जाए बताओ। अच्छा ये बताइए कहाँ से कहाँ तक जाम लगी है? वहाँ पुल पर तक है बस, पुल से इधर आ रहे थे वो लोग, आ रहे थे यहाँ पूरा रोड ही ब्लॉक रखा, तो आगे कहाँ से निकल जाए? गोड़ैचा से रेउसा जाने वाला जो मार्ग है, गोड़ैचा से चंदौली घाट पुल तक बस बंद है, यहाँ तक होगा आगे ना बस। अच्छा ये कुछ लोग जो है मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग जो है वापस आ रहे हैं, इसी वजह से जाम लगी है, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन की कमी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो मुस्तैद नहीं है, वरना इतनी जाम नहीं लगती। यहाँ पे देखिए कि जो महिलाएं हैं वो देखने के लिए आई थी मूर्ति, और यहाँ पे ट्राली में खड़ी है और जहाँ की वैसे ही गाड़ियां खड़ी है, आप देख सकते हैं कि घंटों से लोग जाम में फंसे हुए हैं। आगे दिखाएंगे, कम से कम 3 घंटा लगे। पुलिस आई थी, आई नहीं, घूम के बेचारे क्या करें, वो नहीं, पुलिस के भी बस की बात नहीं है, पुलिस ने भी जाम नहीं छुड़वा पाया है क्योंकि इतनी भीड़ है और हर वर्ष यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है, उसी के हिसाब से पुलिस को व्यवस्था करनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे पुलिस की जो व्यवस्था है वो कम नजर आ रही है, इसी वजह से इतनी भारी संख्या में जाम लगी है। आगे की रिपोर्ट। कलाकारों को कांग्रेस सरकार दो साल के दरबार